सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर। पक्का? पक्का। वाह। अगर आप लोग भी गरीबी रेखा में आते हैं और आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया, आपके परिवार को 3,000 रुपए प्रति महीना कैसे मिलेगा जनधन योजना के अंतर्गत, वो हम आपको बताने आ रहे हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपको खुद का घर पीएम आवास योजना के अंतर्गत मिल जाएगा, जैसे देश में 40 करोड़ से अधिक परिवारों को मिला है, उसकी जानकारी हम आपको देने आ रहे हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपको 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद कैसे मिलेगी वो आपको बताएंगे। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपके घर के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाएगी। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद फ्री में आपको गैस सिलेंडर चूल्हा मिल जाएगा। बस आपको ई श्रम कार्ड बनवाना पंजीकरण कौन करवा सकता है आपको बता दें, पंजीकरण अगर आपको करवाना है तो इसमें उम्र सीमा जो आपकी रखी गई है वो 16 साल से लेकर 59 साल के बीच में रखी गई है, और लोगों को परेशानी ना हो इसलिए भारत सरकार ने टोल फ्री नंबर को भी चालू कर दिया, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपको हमने बता दिया पंजीकरण कैसे करवाना है, ई श्रम कार्ड किन किन का बनेगा, टोल फ्री नंबर क्या है। अब भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड के लिए 125 कैटेगरी को निर्धारित किया है, तो किन किन का ई श्रम कार्ड बनेगा चलिए पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे ई श्रम कार्ड के अंतर्गत आपको पैसा कैसे मिलेगा प्रति महीना 3,000 रुपए की धनराशि, एक एक करके आपको बताएंगे, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। तो ई श्रम कार्ड किन किन का बनेगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खेतीहाड़ी मजदूर, दूध किसान, सब्जी फल विक्रेता, प्रवासी मजदूर, ईटा भट्टा मजदूर, मछुआरे, बिल्डिंग रेलिंग में काम करने वाले, लेबलिंग और पैकिंग में काम करने, बढ़ाई, रेशम उत्पादन कार्यकर्ता, नमक कार्यकर्ता, चर्म उद्योग कार्यकर्ता जैसी 125 कैटेगरी भारत सरकार ने निर्धारित की है। अब ई श्रम कार्ड के अंतर्गत आपको कैसे कैसे फायदा मिलेगा चलिए एक एक करके वो भी बता देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, हमारा चैनल देश के गरीब परिवारों के कल्याण के लिए रातों दिन काम कर रहा है। अगर आपको भी हर सरकारी योजना के बारे में जानना है चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भारत सरकार नए साल से पहले कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास करने जा रही है और हर सरकारी योजना आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप गरीबी एकता में विश्वास रखते हैं, वीडियो लाइक करके अपनी ताकत दिखाएं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें गरीब एकता जिंदाबाद। अब आपको हम बताते हैं कि ई श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं। आपको बता दें, आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया और भगवान न करे अगर आपको मृत्यु हो गई, आपके परिवार को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपको प्राथमिकता मिलेगी पीएम आवास योजना के अंतर्गत और आपके परिवार को फ्री में मिल जाएगा खुद का घर, जैसे देश में 40 करोड़ से अधिक परिवारों को मिल चुका है। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपका राशन कार्ड भी ऑटोमेटिक तुरंत बन जाएगा और आपके घर के प्रत्येक लोगों को 5-5 किलो आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, नमक जैसी सरकारी योजनाएं मिल जाएंगी। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपके घर के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाएगी। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद आपको पीएम उज्ज्वल योजना के अंतर्गत जगह मिलेगी, जैसे देश में 14 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर मिला है वैसे आपके भी परिवार को मिल जाएगा। अब ई श्रम कार्ड कैसे बनवाना है, गूगल पर जाइए, लिखिए रजिस्टर ई श्रम कार्ड, गाँव, पता, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह वगैरह आप डाल दीजिए। अगर आपको ई श्रम कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत आ रही है गूगल के द्वारा, तो आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जो हमने आपको दिखाया। अगर आपको टोल फ्री नंबर से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कहीं सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, आपको जाकर सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछना है, हमारी टीम आपको तब तक समझाती रहेगी जब तक आपको जवाब समझ में नहीं आ जाएगा, जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये देश के लिए जो भी गरीब परिवार हैं हमारा चैनल उनके लिए फ्री में काम कर रहा है। और अगर आप लोग भी हर सरकारी योजना से अवगत होना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करके अपनी ताकत दिखाएं, गरीबी एकता जिंदाबाद।